आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाऊंगा, जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वो घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि देवतागण भगवान के प्रति अनुरक्त रखते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकतावादी होते हैं। मनुष्यों की ये दो श्रेणियां इस संसार में सदैव विद्यमान रही हैं। कलयुग होने से संप्रति असुरों की संख्या बढ़ी हुई है, किंतु यह वर्गीकरण सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। आप लोगों से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ, वह सृष्टि के कुछ लाख वर्षों बाद घटी। प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। चूंकि उस समय का समाज भौतिकतावादी था, अतएव उस बालक को भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता था। महात्मा का लक्षण यह होता है कि वह भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहता है। उदाहरणार्थ, जीसस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु असुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे, तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। जैसे ही मनोरंजन का अंतराल होता और शिक्षक बाहर चले जाते, वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ, हम कृष्ण भवनामृत के विषय में चर्चा करें। यह दृश्य श्रीमद् भगवतम के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में वर्णित है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, मित्रों, यह बाल्यावस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशासन करने का उचित समय है। और इसके बाल मित्र उत्तर देते हैं, ओह, हम तो खेलेंगे, हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें? उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल्यावस्था से ही भगवतम धर्म प्रारंभ करो। श्रीमद् भगवतम भगवत धर्म प्रस्तुत करता है, अर्थात यह विषय ईश्वर विज्ञान ज्ञान तक ले जाता है। भगवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और धर्म का अर्थ है विधि विधान। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है, यह एक महान सुयोग है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं, मित्रों, तुम लोग सभ्य मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा यह मनुष्य शरीर क्षण भंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन अवधि नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य शरीर 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है, जीवन की अवधि स्मृति दया धार्मिकता तथा अन्य ऐसी ही विभूतियां घटती जाती हैं। अतएव इस युग में दीर्घायु अनिश्चित है। यद्यपि मनुष्य का स्वरूप क्षणिक है, फिर भी इस मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वह सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक भगवान को जान लेना। अन्य योनियों में यह संभव नहीं है, क्योंकि हम क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं। इसलिए यह दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के नियम अनुसार आपको अंततः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सकें। जीवन का चरम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण है। बाद के एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस भौतिक जगत के लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों है, क्योंकि वे भगवान का चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वे यह भूल चुके हैं
कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य है, भगवान विष्णु को समझने के लिए एक सुअवसर है। विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अतीव उत्सुक होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं। विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं, हम यह भूल चुके हैं। हम सभी किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं, हर व्यक्ति इसी प्रकार खोज करता है। पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है और एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रिय मधुर मित्र को तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। यह जीवन संघर्ष का एक अंग है और यह स्वाभाविक है, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया है। उन्हें 5वें अध्याय में यह उत्तम श्लोक मिला होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे हर वस्तु के भोक्ता हैं एवं वे ही हर एक के परम मित्र हैं। तो फिर तपस्या क्यों की जाए? क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं? क्यों दान दिए जाएं? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उस तरह भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में सर्वोत्तर जीवन बिताना चाहते हो या अन्य लोकों में, यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वे अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से लोकलुभावन हो। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, जहां पर जीवन की अवधि करोड़ों वर्ष की है। आप वहां की जीवन अवधि की गणना नहीं कर सकते, आपका सारा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा का जीवन इतना दीर्घ है कि हमारे करोड़ों वर्ष उनके 12 घंटे के तुल्य हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी पद इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हो, पर वहां भी जन्म मरण की पुनरावृत्ति होगी। किंतु यदि तुम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके मेरे पास आते हो तो तुम्हें इस कष्टप्रद भौतिक जगत में पुनः नहीं आना होगा। प्रहलाद महाराज यही बात कहते हैं, हमें अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र परम भगवान कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वे हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र क्यों हैं? वे स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप किसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? आप स्वयं ही वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु है। उदाहरणार्थ मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु यदि आग लगने की चेतावनी दी जाए तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकूं। तब हम अपने मित्रों और अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं और यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने आप को बचा लूं। आत्मरक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। स्थूल दृष्टिकोण से आत्मा स्वयं शब्द का अर्थ शरीर है, किंतु सूक्ष्म अर्थ में मन या बुद्धि ही आत्मा है, और वस्तुतः आत्मा का अर्थ आत्मा ही है। स्थूल अवस्था में हम अपने शरीर की रक्षा करने तथा उसे तुष्ट करने में अत्यधिक रुचि लाते हैं, किंतु सूक्ष्मतर अवस्था में हम मन तथा बुद्धि को तृष्ण करने में रुचि लेते हैं। किंतु मानसिक तथा बौद्धिक स्तर के ऊपर जहाँ का वातावरण आध्यात्मिकृत है, हम यह समझ सकते हैं
कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं यह मन बुद्धि या शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। यही है वास्तविक समझ या ज्ञान का स्तर या पद। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समस्त जीवों में से विष्णु परम हितैषी हैं, इसलिए हम सभी उनकी खोज में लगे हैं। जब बालक रोता है तो वह क्या चाहता है? अपनी माता। किंतु इसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती। स्वभावतः उसके पास उसका शरीर है जो उसकी माता के शरीर से उत्पन्न होता है। अतएव अपनी माता के शरीर से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। बालक अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा। बालक रोता है किंतु जब वह स्त्री जो बालक की माँ होती है आती है और उसे गोद में उठा लेती है तो वह बालक शांत हो जाता है। यह सब व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती, किंतु अपनी माता से उसका संबंध प्रकृति का नियम है। इसी तरह हम स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, यह आत्म संरक्षण है। यह जीव का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार भोजन करना एक प्राकृतिक नियम है और सोना भी प्राकृतिक नियम है, तो मैं शरीर की रक्षा क्यों ना करूं? क्यों करूं? क्योंकि इस शरीर के भीतर आत्मा है। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा भगवान का अंश है। जिस तरह हम हाथ या उंगली की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह पूरे शरीर का अंग है, उसी तरह हम अपने को बचाना चाहते हैं क्योंकि यही भगवान की रक्षा विधि है। भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह तो उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो अब विकृत हो चुकी है। उंगली तथा हाथ सारे शरीर के हितार्थ काम करने के लिए हैं। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ यहाँ आए तो वह तुरंत आ जाता है, और जैसे ही मैं चाहता हूँ कि उंगली मृदंग बजाए तो वह बजाने लगती है। यह प्रकृति की स्थिति है। इसी तरह हम अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनकी खोज करते हैं, किंतु माया शक्ति के प्रभाव के कारण हम उसे जान नहीं पाते। यही हमारी भूल है। मनुष्य जीवन में हमें यह सुयोग मिलता है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। चूंकि आप सभी मनुष्य हैं, इसलिए आप सभी कृष्ण भावनामृत सीखें, यहाँ आए हैं तो जो कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मैं कुत्ते बिल्लियों को यहाँ बैठाने के लिए आमंत्रित नहीं करता। यही अंतर है मनुष्यों तथा कुत्ते बिल्लियों में। मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को समझ सकता है, किंतु यदि वह इस सुअवसर को खो देता है तो इसे महान अनर्थ समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं ईश्वर सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है, हमें उनकी खोज करनी चाहिए, तब जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के विषय में क्या होगा? प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, तुम लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति तो इस शरीर के संसर्ग से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि स्वर को एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है, अतएव उसकी इंद्रिय तृप्ति मल भक्षण से होती है, जो आप सबके लिए सबसे घृणित वस्तु है। मल त्याग करने के बाद दुर्गंध से बचने के लिए आप तत्काल स्थान त्याग देते हैं, लेकिन स्वर प्रतीक्षा करता रहता है। जैसे ही आप मल त्यागेंगे वह तुरंत उसका आनंद उठाता है। अतएव शरीर के विभिन्न प्रकारों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इंद्रिय तृप्ति प्रत्येक देहधारी को प्राप्त होती है। ऐसा कभी मत सोचें कि मल खाने वाले सुअर दुखी हैं। नहीं, वे मल भक्षण कर मोटे हो रहे हैं, वे अत्यंत सुखी हैं। दूसरा उदाहरण ऊँट का है। ऊँट कटीली झाड़ियों के प्रति आसक्त होता है। क्यों? क्योंकि जब वह कटीलिया झाड़ियाँ खाता है तो झाड़ियाँ उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे रक्त चूने लगता है और वह अपने ही रक्त का आस्वादन करता है। तब वह सोचता है मैं आनंद पा रहा हूँ। यह इंद्रिय तृप्ति है। यौन जीवन भी ऐसा ही है।
हम अपने रक्त का आस्वादन करते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद लूट रहे हैं। यही हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जगत में जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु उसमें भोग करने की अर्थात भौतिक शक्ति का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे शरीर प्राप्त हुआ है। जीवों की अनेक योनियां हैं और हर योनि का पृथक शरीर है। शरीर के अनुसार ही उसमें विशिष्ट इंद्रियां होती हैं, जिनसे वे किसी विशेष आनंद का भोग करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कटीली झाड़ी दे दी जाए और कहा जाए, देवियों और सज्जनों, यह उत्तम भोजन है, यह ऊँटों द्वारा प्रमाणित है, यह अति उत्तम है, तो क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? नहीं। आप यह क्या व्यर्थ की बातें समझा दे रहे हैं? आप कहेंगे, चूंकि आपको ऊँट से भिन्न शरीर मिला हुआ है, अतएव आपको कटीली झाड़ी नहीं भाती। किंतु यदि झाड़ी ऊँट को दे दी जाए तो वह सोचेगा कि यह तो उत्तम आहार है। यदि स्वर तथा ऊँट बिना किसी विकट संघर्ष के इंद्र तृप्ति का भोग कर सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, किंतु यह हमारी चरम उपलब्धि नहीं होगी। चाहे कोई स्वर हो या ऊँट अथवा मनुष्य, इंद्र तृप्ति भोगने की सुविधा प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव वे सुविधाएं जो आपको प्रकृति के नियम द्वारा मिलती ही हैं, उनके लिए आप श्रम क्यों करें? प्रत्येक योनि में शारीरिक मांगों की तृष्टि की व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। इस तृप्ति की व्यवस्था उसी तरह की जाती है जिस तरह दुख की व्यवस्था रहती है। क्या आप चाहेंगे कि आपको ज्वार चढ़े? नहीं। ज्वर क्यों चढ़ता है? मैं नहीं जानता, किंतु यह चढ़ता ही है ना? क्या आप इसके लिए प्रयास करते हैं? नहीं। तो यह चढ़ता कैसे है? प्रकृति से। यही एकमात्र उत्तर है। यदि आपका कष्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो उसका सुख भी प्रकृति जन्य है। इसके विषय में चिंता न करें। यही प्रहलाद महाराज का आदेश है। यदि आपको बिना प्रयास के ही जीवन में कष्ट मिलता है, तो सुख भी बिना प्रयास के ही प्राप्त होगा। तो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? कृष्णा भाव अमृत का अनुशासन। अन्य सारी वस्तुएं प्रकृति के नियमों द्वारा, जो कि अंततः ईश्वर का नियम है, प्राप्त हो जाएंगी। यदि मैं प्रयास न भी करूं, तो मुझे अपने विगत कर्म तथा शरीर के कारण जो भी मिलना है, वह प्रदान किया जाएगा। अतएव आपकी मुख्य चिंता मनुष्य जीवन के उच्चतर लक्ष्य को खोज करने की होनी चाहिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए।